नमस्कार दोस्तों भाई, आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे और एक दूसरे को प्यार बांट रहे होंगे भाई। मास्टर जी का आपको प्यार भरा नमस्कार है भाई। और मौसम बड़ा ही चिपचिपा सा हो रहा है ना, खुल के बारिश हो रही है, तो चलो ये तो चलता रहेगा। जो आज की वीडियो है दोस्तों भाई, मैंने आपको अपने चैनल पे ये बात बताई थी कि भाई आप लाइसेंस हमसे ले सकते हैं। काफी लोगों के हमारे पास फोन भी आए और उन्होंने हमसे इस विषय में बात भी करी है, तो अच्छा लगता है दोस्तों। पर इसमें ऐसा है कि भाई कुछ बच्चे होते हैं, जैसे छोटी उम्र के बच्चे होते हैं दोस्तों, होते हैं 15, 16, 17 साल के होते हैं, वो यूँ सोचते हैं कि भाई पटाखे, उनको शौक होता है पटाखे का काम करने का, क्योंकि शौक होता है उनको जलाने का, तो वो यूँ सोचते हैं कि भाई हम पटाखे का काम भी कर लें। देखो दोस्तों, जो पटाखे का काम है वो आप कर सकते हैं, बड़े शौक से कर सकते हैं, पर जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके लिए टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या होती है। आज का विषय ये है कि टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या होती है ओकोपायर की। ओकोपायर कैसे, जैसे कि आप उस दुकान पे बैठेंगे तो आपके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, जो उसके रूल एंड रेगुलेशन है, एक्सप्लोजिव रूल एंड रेगुलेशन है कि किस हिसाब से आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो उसमें दोस्तों कुछ उसके टर्म्स ऑफ कंडीशन है, आप उस चीज को देखिए कि आप पहले तो उसको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक विषय होता है भाई, लाइसेंस तो आपको मिलेगा पर उसके अंदर आपकी काबिलियत तो होनी चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, नंबर एक भाई आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 18 साल से आपकी उम्र ऊपर होनी चाहिए, सबसे पहला ये। दूसरा नंबर, जो आपकी दुकान है या आपका खेत है या आपकी दुकान है उस पे एक अप्रोच रोड जरूर होना चाहिए। अगर खेत है तो अप्रोच रोड जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपकी दिल्ली में दुकान है या किसी स्टेट में दुकान है तो उसके आगे कम से कम 12 मीटर का रोड होना अनिवार्य है, दो शर्तें होगी। तीसरा, जो दुकान है उसका जो साइज है दोस्तों, उसका जो साइज है 9 स्क्वायर मीटर से 25 स्क्वायर मीटर के अंदर होना चाहिए। 9 स्क्वायर मीटर से यानी कि 10 बाई 10 की दुकान से कम नहीं होना चाहिए, और 25 जो एरिया है 25 स्क्वायर मीटर तक वो एरिया होना चाहिए आपका। दो बात होगी, तीन हो गई। चौथी बात, अगर आप पार्टनरशिप करते हैं फर्म की, फर्म क्या होता है, अगर आप दो जनों के नाम से लाइसेंस लेते हैं, एक उसमें होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है, एक होता है ऑक्यूपायर होता है, तो जब भी लाइसेंस लेना चाहिए दोस्तों वो पार्टनरशिप के अंदर लेना चाहिए कि भाई एक को कुछ हो जाए, क्योंकि ये चीज जो है दोस्तों वो रोज रोज बनने वाली नहीं है ना। बड़े भाग होते हैं जब ये चीज मिलती है। आप यूं ही देखिए कि भाई अगर आपकी मान लो पर्स गुम हो गया और आप थाने में जाते हैं कि पर्स की मेरे को FRI कर दो, स्टैंप लगा दो, या आपकी सिम खो जाती है। हमारे साथ भी होता था दोस्तों, अब मुझे पता नहीं है, पर पहले जैसे फोन गुम हो जाता था कई बार तो उसकी सिम के लिए हमें वो देना पड़ता था, उसको लेटर देना पड़ता था, जैसे एयरटेल की है तो एयरटेल में और वोडाफोन की है तो वोडाफोन में,
तो उनको देना पड़ता था, तो थाने में जाते थे कि भाई मेरा फोन है ना, तो ऐसे फोन पे बात करते करते ही फोन ले जाते हैं, तो वो भी क्या लिखवाते हैं कि भाई मेरा फोन गुम हो गया है, इस तरीके से लिखवाते हैं। ऐसे नहीं लिखवाते मेरा फोन छीन लिया तो मेरे को आप स्टैम्प मार के दे दो, मैं नई सिम ले लूँगा, इस तरीके से नहीं देते वो। तो जब मोहर मारने में ही उनको, अब आप यूं ही देखिए ना कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने में ही कितनी दिक्कत है। ये तो एक लाइसेंस है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका काम है। इस चीज़ में हम क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं, ये चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे, आगे अपने आने वाले टाइम में बताएंगे कि भाई इस काम को हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं आगे, क्यों हम गली गली में यूं चाहते हैं कि हमारे से लोग जुड़े और ये काम करें। ठीक है ना, उनको पैसा तो मिलेगा, पर भाई हम हिंदू हैं तो देखो दिवाली जो है वो धूमधाम से मननी चाहिए, मेरी ये सोच है ना, ये सिर्फ मेरी सोच है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई वो है, ये सिर्फ मेरी सोच है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई जो देखो मैंने अपने पहले भी अपने यानी कि ब्लॉग में बोला है कि देखो रोज जो लोगों की दिवाली होती है, अब हम दिल्ली में रहते हैं, जब हमें शर्ट चाहिए हम शर्ट लेते हैं, पैंट चाहिए पैंट लेते हैं, खाने को चाहिए कुछ भी उसी दिन वही चीज़ खाते हैं, पर जब हम छोटे थे तो उस समय दिवाली जो थी दोस्तों उसका लोग इंतज़ार करते थे। इंतज़ार कैसे करते थे कि भाई उस दिन मम्मी जो है खीर बनाएगी, मिठाइयाँ मिठाइयाँ दोस्तों, इतना पैसा नहीं होता था लोगों के पास कि वो मिठाई खरीद सके, कपड़े रोज रोज खरीद सके, इतना पैसा उनके पास नहीं होता था, तो वो यूँ चाहते थे कि भाई दिवाली आएगी तो नए कपड़े लेंगे। उस समय माहौल अलग ही होता था दोस्तों, तो हम यूँ चाहते हैं भाई, मैं यूँ चाहता हूँ, हम क्या, मैं यूँ चाहता हूँ कि इस तरीके का माहौल हो और लोगों को पता लगे कि भाई दिवाली है और ये हिंदू देश है। तो ये तो एक अलग मैटर हो गया दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था, मैंने चार आपको बता दी थी कि एक तो उम्र का बताया था, दूसरा दुकान का साइज बताया था और दो और बातें बताई थी आपको, दुकान कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसके आगे रोड कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इसमें मायने नहीं रखती है दोस्तों, क्वालिफिकेशन इसके अंदर मायने नहीं रखती है। आप कितना ही पढ़े हैं, आपको सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, आपको कस्टमर से बात करने के लिए तमीज होनी चाहिए, है ना, और थोड़े से आप अग्रेसिव भी होने चाहिए। अगर आप पटाखे का काम कर रहे हैं तो थोड़े अग्रेसिव स्वभाव इसमें चलेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप किसी से लड़ते रहें, पर ऐसा भी नहीं हो कि कोई आपकी दुकान में किसी प्रकार की हानि पहुंचा दे, तो आपका एक रोब भी होना ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो व्यवहार होगा वो सभी डिपार्टमेंट वालों से भी होगा, उसमें यानी कि व्यवहार कुशल ही बंदा चल पाएगा। ठीक है ना, व्यवहार कुशल का मतलब आप समझते हैं, जो हैंडल कर सके, हर सिचुएशन को हैंडल कर सके, नर्मता भी यानी कि उसके अंदर नम्रता भी हो और अग्रेसिवपन भी हो, तो ऐसा बंदा इस लाइन में कामयाब हो सकता है। आगे चलते हैं, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, जो भी लाइसेंस दे रहा है उसके अंदर क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, और आपका खेत है मान लो, तो उस पर दुकान बनाने की जरूरत नहीं है अभी, उस खेत की लोकेशन है या उस दुकान की लोकेशन है वो हमें, आपने उसकी वीडियो बना के हमें देनी है। ठीक है ना, और मैं पार्टनरशिप के लिए बता रहा था उसमें
कि ये चीज रोज रोज नहीं बनती है। पार्टनरशिप इसलिए होती है कि भाई अगर एक आदमी मान लो जीवन में नहीं रहा, ठीक है ना, और उसकी मार्केट बन गई है, तो आराम से आपका व्यापार चलता रहे, वो लाइसेंस आपका कैंसिल नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। अभी दोस्तों देखो कितनी कितनी आगे और बात है मेरे पास कहने के लिए, पर जो वीडियो है दोस्तों वो फिर 10.5 सेकंड की होगी है, 10.5 मिनट की होगी है, शायद 10.5 मिनट की होगी है। तो अब आप वीडियो को देखते जाइए और आगे विचार बनाते जाइए। मास्टर जी यूं चाहते हैं कि भाई गली गली में, ठीक है ना, शहर शहर में भाई आप मास्टर जी के साथ जुड़े और पटाखे का काम करें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में ये मैं आप लिखूंगा, पहले हमने जो टाइटल डाला था वो ये डाला था कि पटाखे का लाइसेंस हमसे ले, अब ये जो डालेंगे इसका डालेंगे Part 1, लाइसेंस ले Part 1, फिर 2 भी आएगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, फिर एक्सप्लोजिव रूल की जो बुक है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सा फॉर्म भरा जाता है, ठीक है ना। अगर आप हमसे ही आ जाएंगे, हमसे ही मिलने आ जाएंगे, तो हम उस काम को आपके साथ लग के करवाएंगे। पर अब आप इस चीज़ के लिए जल्दी ना कीजिए दोस्तों कि आप यूँ सोचें कि आप जुलाई में मेरे को बोल रहे हैं, ठीक है ना, और आपका इस दिवाली पे काम चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। थोड़ा सा काम आप मेरे पास आके सीखे, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से काम होता है, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी हो जाती है दोस्तों। कई बार माल आ जाता है, दुकानें बंद हो जाती है, तो उस समय में आप क्या करेंगे, ये भी एक विषय है, इसके बारे में बताएंगे आपको। पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं या कोई अफसर खड़ा हो जाता है, उस समय आप क्या करेंगे, ये भी बताएंगे आपको। और जब उसका रिन्यूअल होना होता है लाइसेंस का, जब क्या करना होता है दोस्तों, ये भी बताएंगे। तो इसमें धीरे 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 जैसे जैसे आगे हम चलेंगे इस विषय पे, तो आपको हम सभी तरह की जानकारियां देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और भाई देखो अगर किसी को रोज़गार चाहिए, कोई यूँ चाहता है कि भाई मैं पैसा अच्छा कमाऊं और मेरा नाम भी हो, क्योंकि ये जो काम है दोस्तों, अगर मान लो आपके क्षेत्र में पेट्रोल पंप है ना, या गैस की एजेंसी है, या सिलेंडर टेस्टिंग होता है, सिलेंडर टेस्टिंग के लिए भी प्लांट लगता है, अगर ऐसी चीज है तो दोस्तों आप उस क्षेत्र के जाने माने आदमी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप सोचिए, आप ये काम हमसे मिलिए, हम बताएंगे आपको, आपसे बात करके कि भाई आप इस चीज़ के लिए कामयाब हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं दोस्तों, वीडियो 14 मिनट की होगी है, और बातें आगे खूब हैं, और आने वाले टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।